प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। तो दोस्तों, मैं मनीष और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ऑसम ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल में। दोस्तों, अभी आपने प्रीव्यू वीडियो देखा, तो दोस्तों इस तरह का लाइटिंग इफेक्ट एडिटिंग अगर आप भी करना चाहते हो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस चैनल पर आप सिर्फ लाइटिंग्स का ट्यूटोरियल मैं अपलोड करने वाला हूँ। अगर 3D वीडियो एडिटिंग अगर आप करना चाहते हो तो मेरे चैनल सेकेंड वाले चैनल ऑसम MS टेक पे जरूर विजिट कीजिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल मैं वहाँ पर आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। ओनली 3D ट्यूटोरियल वहाँ पर एक चैनल पर रहेगा। इस चैनल पर तीनों अलग अलग हो जाता था तो परेशानी होती थी शायद आप लोगों को भी, इसलिए वीडियो पे व्यूज नहीं आता था। मुझे भी इतना मेहनत लगता था और वीडियो पे व्यूज नहीं आता था तो अच्छा नहीं लगता था। तो चलिए हम एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो गए जी, यहाँ पे जो एडिटिंग में बताने वाला हूँ इसका प्रीसेट अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। वेबसाइट पे कैसे जाना है और कौन सा वेबसाइट है, इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखकर आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं। चलिए मैं फुल एडिटिंग यहाँ पे बताता हूँ। तो सिंपली एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। दोस्तों, एलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, एक फॉग का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया, उस वीडियो को ले लीजिएगा। देन एलाइट मोशन ओपन होने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। 9:16 रेशियो सेलेक्ट करना है, रेजोल्यूशन 1080 रखना है, फ्रेम रेट 30 या 60 रख सकते हैं। देन यहाँ बैकग्राउंड जो ब्लैक कर लीजिए, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया में जाइएगा। देन मीडिया में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना फोटो ले लेना है, जो भी फोटो पे एडिटिंग करना चाहते हैं इस तरह से फोटो ले लीजिएगा। 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, फिल कंपोजिशन एरिया कीजिएगा, फोटो पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। देन यहाँ पे थोड़ा शैडो जैसा आ रहा है, मतलब लोगो यहाँ पे है तो लोगो को हम हटा देते हैं, थोड़ा सा जूम कर देंगे तो ये हट जाएगा। अब देख सकते हो कुछ इस तरह से आ गया। दोस्तों, यहाँ पे एक सॉन्ग की जरूरत है, स्क्रीन पे टैप कीजिए, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, ऑडियो में जाइएगा। देन ऑडियो में जाने के बाद जो भी सॉन्ग पे स्टेटस बनाना चाहते हो सॉन्ग को ले लीजिएगा। देन प्ले करके चेक कर लीजिए फर्स्ट लाइक सबका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो मेरा ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख कर और ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट है तो इसे हम कट कर देते हैं, फिर सॉन्ग को आगे तक ले लेते हैं। देन इसके बाद जितना टाइम का स्टेटस बनाना चाहते हो उतना रखिए, जो एक्स्ट्रा होगा कट कर दीजिए, फिर पिक्चर को सिलेक्ट कीजिएगा, लास्ट तक खींच लीजिएगा। देन स्टार्टिंग में आ जाएगा, स्टार्टिंग में आने के बाद गई जिसे प्ले करके आपको चेक कर लेना फर्स्ट लाइक्स का वर्ड आपका क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और फर्स्ट लाइन इसका वर्ड है गाल गुलाबी, तो प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे। देन यहाँ पर हम टाइप करेंगे गाल गुलाबी, ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया। देन अलाइन करेंगे, रोबोट लोग में जाएंगे और गाइस यहाँ पे आप कोई भी सा बोल्ड फॉन्ट, थोड़ा सा बोल्ड टाइप का फॉन्ट हो उसे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चीकी रेबिट करके एक फॉन्ट है उसे ले लेता हूँ। देन लेने के बाद गाइस इसका साइज जो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिएगा। कलर यहाँ पे इसका व्हाइट करेंगे, देन कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी राइट क्लिक कीजिएगा, करने के बाद इसे मूव करके और यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे रख लीजिएगा, इस तरह से देख सकते हैं मैंने रख दिया। देन प्ले करके चेक कर लेंगे वर्ड ख़त्म कहाँ पर हुआ है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से खींच कर पूरा पे कर लेंगे जितना दूर तक हमारा लाइटिंग्स का वर्ड रहेगा। अब गाइस इस टेक्स्ट को अगर आप स्पेस थोड़ा सा देना चाहते हैं, मतलब क्लोजिंग थोड़ा ज़्यादा है, तो इफेक्ट में जाइएगा, ऐड इफेक्ट में जाइएगा, नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन देखिएगा, इस पर क्लिक करके टेक्स्ट स्पेसिंग में जाकर स्टैंडर्ड सेटिंग कीजिएगा। देन यहाँ पर लेटर स्पेसिंग जो है इसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो 3-4% तक कर दीजिएगा, काफ़ी अच्छी तरह से हो गया। देन इसके स्टार्टिंग में आ जाइएगा, यहाँ पर टेक्स्ट स्पेसिंग पर क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा, ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा। देन क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको एक इफेक्ट लेना है वाइप करके, तो उसके लिए आपको मीटर मास्क की में जाना होगा। देन यहाँ पे वाइप करके एक इफेक्ट देखिए इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अभी आपको वाइप पे क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। एंड पे जाइएगा, यहाँ पे की लगा लीजिएगा, की लगाने के बाद इसे इस तरह से ये थोड़ा आगे कर लेते हैं इस की को, तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। और इसे इस तरह से डाउन करना है, तो देख सकते कुछ इस तरह से वाइप होता हुआ ये चला गया। तो माइनस में 5 तक कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। और फेदर को भी थोड़ा सा बढ़ाना है, तो फेदर बढ़ा कर देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ आ तो नहीं रहा है, तो थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। अभी तो ये टेक्स्ट सिर्फ दिख नहीं रहा है, तो एंगल पर आते हैं और इसे यहाँ पर कर देते हैं स्टार्टिंग में। देन स्टार्टिंग में करने के बाद इसको बीचों बीच आ जाइएगा, की लगाइएगा और फिर इसे 100 कर दीजिएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, पूरा 100 कर लीजिएगा। तो ये कुछ इस तरह से आएगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी इसका वाइप जो है इसे थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, तो इस तरह से अब ये दिखेगा कुछ इस तरह से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ही आएगा जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसके स्टार्टिंग में आ जाइएगा,
यहाँ पे ओआई पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा, ऐड फिर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ ऑपिसिटी विजुअलिटी में जाकर फीड इन आउट को सिलेक्ट कीजिएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह से आ गया। अभी आप ये प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसके स्टार्टिंग में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद स्क्रीन पर टैप करना, प्लस का आइकन पर क्लिक करना, मीडिया में जाना है। देन मीडिया में जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, एक वीडियो लेना है जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है। तो मैं टेलीग्राम से पे रखा था तो मैं वहीं से ले लेता हूँ, जल्दी से मैं ढूंढ लेता हूँ। सो ये जिया वाला वीडियो 2 सेकंड का वीडियो है, आप इस वीडियो को ले लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब इस वीडियो को सिलेक्ट कीजिएगा, देन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाइएगा, इसका लाइट एंड इस पर क्लिक करके इसे स्क्रीन कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ से इसे बैक कीजिएगा और मूव एट ट्रांसफॉर्म की मदद से इसे नीचे कर लीजिएगा कुछ इस तरह से जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहीं पर जूम वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, ये जो चेन बीच में देख सकते हैं इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप इसका वेट बढ़ा सकते हैं और इस तरह से इसका हाइट बढ़ा सकते हैं। तो हाइट को हम कम करेंगे जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और वेट को टेक्स्ट के बराबर में रख लीजिएगा ताकि टेक्स्ट के साथ में आए, तो कुछ इस तरह से आएगा जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से और काफ़ी स्मूथली एडजस्ट हो गया जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते, एकदम फिट आ रहा है जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इसे मूव करके ऊपर की तरफ करते हैं हल्का सा, तो यहाँ पर देख सकते हमारा एडिटिंग जो है फिनिश हो चुका है, आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये वाली ऑप्शन टैप कीजिए, यहाँ पे कॉपी लेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे जाइएगा और ये वाली ऑप्शन टैप करके यहाँ पे पेस्ट टू लेयर कर दीजिएगा। देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो अभी ऐसे प्ले करके आप चेक कर लीजिए नेक्स्ट वाला वर्ड का लिरिक्स क्या है। यहाँ तक आ रहे तो सिंपली लिरिक्स को सिलेक्ट करेंगे, ट्वेल्थ पे क्लिक करके आगे खींच लेंगे। यहाँ पे जो हमारा वर्ड होगा उसे टाइप करेंगे, तो इसे सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे। देन एडिट में जाने के बाद यहाँ से इसे क्लियर कीजिएगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है नयन शराबी। ठीक है, देन राइट क्लिक कर लेंगे, अभी प्ले करके आप चेक करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये गए जो 2 लाइन में हो गए टेक्स्ट हमारा जो है 2 वर्ड में, 2 लाइन में हो गया, तो इसे 2 वर्ड में नहीं करना है, एक ही वर्ड में रखना है। तो इस तरह से थोड़ा सा आगे खींच देंगे तो एक वर्ड में आ गया, मतलब 1 लाइन में आ गया। अब इसे प्ले करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है फिर वहाँ पे आ जाएंगे, आने के बाद ये वाली ऑप्शन टाइप करेंगे, पेस्ट लेयर कर देंगे, तो इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। यानी यहाँ पे कोई पार्टिकल देना चाहे तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज नीचे आइएगा, प्लस का आइकन पे क्लिक कीजिएगा, टेक्स्ट में जाइएगा, यहाँ पे आपको 1 से 2 मतलब 2-3 ठो इमोजी ले लेना है। तो जितना भी इमोजी आप लेना चाहे उस इमोजी को ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे ले लिया हूँ 3 ठो। फिर अलाइन करेंगे, रोबोट टूल में जाएंगे, यहाँ पे iOS वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, इसका साइज एडजस्ट कर लीजिएगा और कलर में जाकर इसका कलर यहाँ से ट्रांसपेरेंट कीजिएगा। देन राइट क्लिक कर लीजिएगा, करने के बाद यहाँ से इसे मूव कीजिएगा नीचे की तरफ, यहाँ पे रख लेते हैं इस तरह से। और फिर स्टार्टिंग में आकर स्क्रीन पे टैप करेंगे, प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको टाइप करना है YT और ये वाला, उसके बाद M मतलब जो भी आपका होगा उसे टाइप कीजिएगा। तो मैं अपना यूजर आईडी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर इसे अलाइन करेंगे, रोबोट रेगुलर में जाएंगे, यहाँ पे जो भी फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट करना चाहे उस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं ऐसे कर लेता हूँ। करने के बाद इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट कर लीजिए, तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। कलर में जाएंगे, कलर में जाने के बाद इसका कलर यहाँ से चेंज कर देंगे, देन राइट क्लिक करेंगे, करने के बाद इसे मूव करके नीचे की तरफ लेकर आएंगे और जहाँ पर भी सेट करना चाहे वहाँ पर कर सकते हैं। इसका भी अगर आप हाइट वेट बढ़ाना चाहे तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने बढ़ा दिया देख सकते हैं। अब ये दोनों को आपको लास्ट तक कर देना, तो यहाँ से खींच कर दोनों को लास्ट तक कर लीजिएगा। अब आपका स्टेटस बनकर तैयार हो चुका है, तो यहाँ से आप लेकर के चेक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एडिटिंग कंप्लीट हुआ। कोई पार्टिकल वीडियो आप यहाँ पे लगाना चाहे तो लगा लीजिएगा, अदरवाइज ऊपर जो एरो देखते हैं इस पर क्लिक करना है, एक्सपर्ट पे क्लिक कर देना है, ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, उसके वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। इस तरह का कंटिन्यू एडिटिंग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।